ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की मच अवेटेड अपकमिंग फिल्म फाइटर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म का इंतजार ऋतिक रोशन के फैंस काफी बेसब्री से कर रहे हैं। इस मूवी के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हैं, जिन्होंने इससे पहले फिल्म पठान की डायरेक्शन कमान भी संभाली थी। इसके अलावा ये ऋतिक रोशन के साथ भी बेहतरीन स्पाई फिल्में बना चुके हैं। ज्यादातर सिद्धार्थ आनंद स्पाई फिल्में बनाने के लिए ही जाने जाते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ आनंद का हमारी इंडियन आर्मी और एजेंट्स को दिखाने का अंदाज बहुत ही ज्यादा अलग है। इसलिए फिल्म फाइटर बाकी सारी फिल्मों से अलग होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं कि फाइटर मूवी का ट्रेलर कैसा है। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अगर फाइटर मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो मुझे ट्रेलर देखकर ऐसा लगा कि ये फिल्म एक रियल लाइफ से इंस्पायर होगी, क्योंकि ट्रेलर में कुछ ऐसे क्लू दिए गए हैं जैसे कि पहले मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, उसके बाद 26/11 मुंबई ताज होटल अटैक और अब पुलवामा अटैक। टेरर अटैक ऑन इंडियन फोर्सेस, हमले में हमारे देश ने 40 से ज्यादा जवानों को खो दिया। बॉम्ब ब्लास्ट 26/11 और अब पुलवामा। जिसे देखकर सिर्फ यही लगता है कि ऋतिक रोशन की ये फिल्म रियल लाइफ इंस्पायर होने वाली है, क्योंकि ये सभी हमले रियल में भारत को झेलने पड़े थे। उसी के साथ एक फिक्शनल कहानी भी जोड़ी गई है, जहां पर एयरफोर्स की एक टीम तैयार की जाती है, जिस टीम में ऋतिक रोशन के साथ साथ बाकी टीम के कई मेंबर्स भी होते हैं। ट्रेलर में देखते हैं कि आतंकियों ने पुलवामा में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया है, जिसमें इंडिया के 40 जवान शहीद हो गए हैं, और ये पाकिस्तान की ही तरफ से आतंकी हमला था, और अब उसी का बदला लेने के लिए इंडियन आर्मी नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स जाएगी, जो कि उन्हें उन्हीं के घर में घुसकर मारेगी। इसके बाद ऋतिक रोशन बदला लेने के लिए हमला करने चले जाते हैं। वहां पर पहली बार वो फंस जाते हैं, जिससे कि उनके कुछ साथी भी आतंकियों के कब्जे में फंस जाते हैं, जिसे आप लोगों ने फाइटर के ट्रेलर में देखा होगा, जिसमें एक जवान खंभे से बंधा हुआ है और वो उस जवान को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। उसी जवान को छुड़ाने के लिए और उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऋतिक रोशन वापस अपनी टीम के साथ एयर स्ट्राइक करते हैं, और अब इस बार ऋतिक रोशन ज्यादातर आतंकियों को मार गिराते हैं। फाइटर मूवी के ट्रेलर में अगर एक्ट्रेस की एक्टिंग की बात करें तो इस फिल्म में ऋतिक रोशन को सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग टाइम मिला है, और उन्होंने अपने डायलॉग से मूवी के अंदर मनो जान डालती हो। उसके बाद सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग टाइम दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर को इस फिल्म में मिला है। इन दोनों एक्टर और एक्ट्रेस ने फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग की है, जिसका नजारा हमें ट्रेलर में भी देखने को मिला है। मूवी में हमें ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। और हाँ, इस फिल्म फाइटर में अनिल कपूर ने कोच की भूमिका निभाई है। फिल्म में बाकी और स्टार कास्ट ने भी जबरदस्त काम किया है। जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक और वजह है जिससे कि इस मूवी का ट्रेलर एकदम जबरदस्त लगा है, और वो है इस मूवी की डायलॉग डिलीवरी, जो कि एकदम जबरदस्त है। बहुत ही बेहतरीन डायलॉग फाइटर मूवी के अंदर हमें ऋतिक रोशन के मुंह से सुनने को मिले हैं, और वो है, फाइटर वो नहीं है जो अपने टारगेट अचीव करता है, वो है जो उन्हें ठोक देता है। इसका जवाब पत्थर से देने आए हो? नहीं, धोखे का जवाब। इनकमिंग मिसाइल। बदले से। मूवी के अंदर कुछ ऐसे भी डायलॉग्स हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और वो है, POK का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान ने सिर्फ ऑक्यूपाइड किया है पर वो अभी भी इंडिया का ही है, और अब ये इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान बनेगा। POK का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तुमने ऑक्यूपाई किया है, मालिक हम है। कमीज पे उतर आए तो तुम्हारा हर मोहल्ला IOP बन जाएगा। इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, जय हिंद। फाइटर मूवी के ट्रेलर को देखकर ऐसा लगा है कि इन्होंने VFX का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है, और हाँ, ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म होने वाली है जो कि रियल में एरोप्लेन्स के अंदर शूट हुई है। और तो और, इस फिल्म की सारी शूटिंग भी एयर में की गई है, इसलिए ये पहली एरियल फिल्म भी बन गई है। इस फिल्म के टोटल बजट की बात की जाए तो ये मूवी पूरे 250 करोड़ इंडियन रुपए के बजट में बनकर तैयार हुई है। अगर हम फाइटर मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। उसके साथ साथ अनिल कपूर भी है, जो कि हमें एक टीम के कोच की भूमिका में दिखेंगे। साथ ही साथ हमें करण सिंह ग्रोवर, अक्षय ओमरॉय, तलत अजीज, आमिर नायक, संदीप चोपड़ा और आकाश अलग नजर आएंगे। फाइटर के ट्रेलर को देखकर ऋतिक रोशन के फैंस एकदम इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। अब वो सभी इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ऋतिक रोशन की ये फिल्म 25 जनवरी 2024 को थिएटर में रिलीज की जाएगी। क्या आप इस फिल्म को थिएटर में देखने जाओगे? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको जानना है कि सलार मूवी ने कैसा सिनेमाघरों में अपने डोमिनेंस बनाया हुआ है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।